सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर लाड यूट्यूबर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं भरतेश लाड, मिस्टर लाड यूट्यूबर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वन लैंप वन स्विच कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड वाले बेल को भी प्रेस कर दीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वन लैंप वन स्विच कनेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक लैंप होल्डर लिया है, एक एलईडी लैंप लिया है, लाइन टेस्टर लिया है, एक यहाँ पे बैट स्विच लिया है, इंसुलेशन टेप और कुछ वायर यहाँ पे मैंने ली है, ठीक है। तो चलिए अब हम कनेक्शन कैसे करते हैं देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने दो कलर की वायर ली है, रेड और येल्लो, ठीक है। रेड जो है दोस्तों मैं फेज यानी कि पॉजिटिव के लिए यूज़ करूँगा और येल्लो जो है मैं न्यूट्रल के लिए यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने लैंप होल्डर को जो है वायर को कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दो टर्मिनल मिलते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी एक फेज और एक न्यूट्रल जो है कनेक्ट करना है। यहाँ पे यही फेज है या यही न्यूट्रल है ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी एक में जो है फेज अपनी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं न्यूट्रल वायर जो कि हमारी येलो है उसे मैं इस होल्डर को लैंप होल्डर को जो है कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे हमारे होल्डर को जो है न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दी है येलो, ठीक है। अब दोस्तों, मैं जो है इस होल्डर को जो है पॉजिटिव यानी लाइन जो है कनेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये रेड वायर जो है दोस्तों मैं फेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा कनेक्शन, हमारे होल्डर का कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी येलो जो है न्यूट्रल है और रेड वाली जो है फेज है, ठीक है। तो इस कैप को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लैंप होल्डर जो है रेडी हो चुका है। ये हमारी येलो जो है न्यूट्रल है और रेड जो है हमारी फेज है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों, हम जो है यहाँ पे हमारा एलईडी लैंप जो है इसमें हमारे लैंप होल्डर में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया है। उसके बाद दोस्तों, हमें जो है इसे एक स्विच भी कनेक्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको एक ध्यान में रखना है, स्विच जो है हमेशा फेज में ही यूज़ होता है, पॉजिटिव लाइन में ही यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, मैंने रेड वायर को जो है ऑलरेडी यहाँ से काट दिया है, आप देख सकते हैं ये हमारी फेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा स्विच जो है कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्विच के कवर को जो है निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा स्विच कुछ इस तरह से है। इसमें जो है दो टर्मिनल है और दोनों भी हमें फेज ही कनेक्ट करना है, ठीक है। हमारा न्यूट्रल जो है दोस्तों डायरेक्ट जाने वाला है, ठीक है। हमारा रेड जो है हमारे जो लैंप होल्डर से जो हम आया है उसे हमें यहाँ पे इसमें एक टर्मिनल को जो है कनेक्ट कर देना है।
और दोस्तों हमारा पोल से जो पॉजिटिव यानी कि फेज आता है उसे जो है हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम जो होल्डर से हमारा फेज लाइन आया है उसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमारे होल्डर से हमारा फेज लाइन आया है उसे मैंने हमारे स्विच के एक टर्मिनल को जो है कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पोल से पॉजिटिव यानी कि फेज आता है उसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए और एक जो है वायर का टुकड़ा मैंने ले लिया है, ठीक है, इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे जो कि हमारा फेज है। तो दोस्तों ये भी हमारा कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं आपको पूरा एक बार और एक बार जो है कनेक्शन पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने जो है एलईडी लैंप को कनेक्ट कर दिया है हमारे होल्डर को, और यहाँ पे दोस्तों हमने ये जो रेड कलर की वायर है ये हमने फेस के लिए यूज़ की है, और ये जो है हमारे येल्लो न्यूट्रल है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों टर्मिनल को जो है एक फेस और एक न्यूट्रल जो है कनेक्ट कर दी है, ठीक है। तो इसे हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारी रेड फेज आई है हमारे लैंप होल्डर से उसे हमने स्विच के एक टर्मिनल को कनेक्ट किया है, और उसके बाद दोस्तों हमने जो है एक वायर जो हमारे पोल से आती है फेज के लिए, ठीक है, उसे हमने स्विच के दूसरे टर्मिनल को जो है कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसे जो है फेज और न्यूट्रल का जो है कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा रेड जो है फेज है और येलो जो है हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है न्यूट्रल को न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। आपको दोस्तों ध्यान देना है जब भी आप इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं तो आपको पावर सप्लाई जो है हमेशा बंद रखना है, ठीक है, और ध्यान से जो है काम करना है। आपको जो है दोस्तों इलेक्ट्रिकल शॉक जो है लगने की संभावना होती है, तो आपको जो है यहाँ पे बहुत ही केयरफुली जो है काम करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने फेज को फेज और न्यूट्रल को न्यूट्रल जो है कनेक्ट कर दी है। इसके बाद दोस्तों हम जो है उसे इंसुलेशन टेप से जो है कवर कर देंगे अच्छे से। दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो है इंसुलेशन टेप अच्छे से करना है, और आपको वायर का भी प्रॉपर जॉइंट जो है करना है, ठीक है। वायर का प्रॉपर जॉइंट कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको आई बटन में उसका लिंक जो है मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों ये हमारा कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। मैं और एक बार दोस्तों पूरा जो है कनेक्शन चेक करता हूँ और उसके बाद ही हम उसे पावर सप्लाई जो है चालू करेंगे। तो हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम इसे टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा ये सर्किट वर्क करता है या नहीं। तो दोस्तों हमने इसमें पावर सप्लाई दे दिया है, अब जो है हमारे सर्किट में पावर सप्लाई चालू हो गया है। तो अब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा लैम्प जो है ऑन हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा सर्किट जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है।
तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप वन लैंप वन स्विच का कनेक्शन जो है इजीली कर सकते हैं। आपको जो है इलेक्ट्रिकल वर्क करते समय दोस्तों ध्यान से काम करना है, आपको मेन सप्लाई जो है हमेशा बंद रखना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।